नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है करियर काउच में शुभांकर पर। दोस्तों, एक सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि परभक्षी जो होते हैं जब वो शिकार पे निकलते हैं तो 75% समय वो नाकाम हो जाते हैं। पेड़ से जो बीज गिरता है वो ज्यादातर बीज या तो पक्षी के भोग चढ़ जाता है या तो सही वातावरण न मिलने के वजह से खराब हो जाता है। दुनिया में होने वाली ज्यादातर बारिश समुद्र पर गिरती है, वो भी बेकार हो जाती है पानी, लेकिन उसके बावजूद न समुद्र कभी मायूस होता है, न बादल मायूस होता है, न परभक्षी मायूस होकर बैठ जाता है, शेर शिकार करना नहीं छोड़ता और पेड़ बीज उपजना नहीं छोड़ते। दोस्तों, कुछ हमारी जिंदगी इसी किस्म की है। अगर हम प्रकृति से सीखें तो एक चीज हम बहुत जल्दी छोड़ सकते हैं, वो है मायूस होना। आज ये बात मैंने उन बच्चों के लिए मैंने कही है जो इस समय कंपिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं। मैं जानता हूं पूरे साल तैयारी करने के बाद कहीं ना कहीं जब एग्जामिनेशन पास आता है या जब वो बैठते हैं इन कंपिटिटिव एग्जाम्स में, कॉन्फिडेंस भी होता है और एक डर भी होता है। कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि सारा साल पूरे वर्ष उन्होंने मेहनत किया है, लेकिन डर क्योंकि उनको मन ही मन पता है कि ये जो पूरी जद्दोजहद है, पूरी लड़ाई है, ये वो 2% या 3% सीट के लिए है जिसके लिए लाखों बच्चे बैठेंगे। तो दोस्तों, ये जो करियर काउच का कार्यक्रम है ये इसी कारण से है ताकि हम आपको ये समझा सकें कि करियर ये एक बहुत बड़ी चीज है, वो बारंबार अपने आप में तब्दील होता चला जाता है। आप जब पैदा होते हैं तो ये थोड़ी सोच के पैदा होते हैं कि बड़े होते ही डॉक्टर बन जाएंगे और आप डॉक्टर बन जाते हैं। कुछ बिरले होते हैं उनके साथ ऐसा होता भी होगा, लेकिन जिंदगी हमारी एडेप्टेशन का दूसरा नाम है, जहां पे हम सिचुएशन को अडेप्ट करते हैं, उसको कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उसी हिसाब से जब देखते हैं कि सामने हमारे अगर बार बार नाकामी आ रही है तो हम अपने आप में कौन से बदलाव करें, अपने गोल्स में कौन से चेंजेस करें कि हम एक सक्सेसफुल इंसान बन सके। तो दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो CUET एग्जाम्स पर। जी हाँ, ये NEP के इंट्रोडक्शन का एक ये भी हिस्सा रहा जहां पे ये सरकार ने शायद ये व्यवस्था जो बनाई वो इसके बाद जब उन्होंने सोचा कि बच्चे इतने सारे एग्जाम देते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एग्जाम्स, तो क्यों ना ऐसा हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट रख दिया जाए। तो जी हाँ, CUET यानी कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो बेसिकली इसी वजह से है ताकि आपको अलग अलग केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है उनके लिए आपको एग्जाम्स ना देना पड़े, एक सेंट्रल एग्जामिनेशन के तहत पर आप एक साथ सारे विश्वविद्यालयों में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इसी के लिए हम आगे जो चर्चा करेंगे, हम चलते हैं शिमूल के पास जो इस समय बात कर रही हैं, CUET के एक्सपर्ट हैं, करियर कोच हैं, नितिन राकेश जी से। चलते हैं शिमूल के पास। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में करियर काउच के आज के एपिसोड में। तो सबसे पहले तो एक जो स्टूडेंट्स, तो अभी हमें जो शुभांकर जी से पता चला है कि करीब 10 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो है CUET के एग्ज़ाम्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, तो मैं फिर से आपसे यही पूछना चाहती हूँ एक और एग्ज़ाम। सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन है कि फिर से कितने ऐसे एग्ज़ाम्स होंगे? अच्छा, ये एक मिथ है कि एक नया एग्जाम आ गया जी। रियलिटी में एक्चुअली कई एग्जाम्स को कम किया गया है। जैसे आप सभी ने सुना होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में 2019 में रोल आउट हुई थी, बट कोविड के कारण उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। सो अब जो है 2022 में 44 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, जिसमें सबसे मशहूर दिल्ली यूनिवर्सिटी है या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, तो ऐसी 44 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के लिए एक एग्ज़ाम कर दिया है जिसका नाम CUET है, कॉमन यूनिवर्सिटी
एंट्रेंस टेस्ट। पहले क्या होता था कि इन 44 यूनिवर्सिटीज के अलग 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 अप्लाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन भी अलग कर रहे हैं, प्रिपरेशन भी अलग करते थे, तो अलग फॉर्म भरते थे, पैसा भी खर्च होता था, समय भी खर्च होता था। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, 1300 रुपए के मात्र फॉर्म से आप 44 यूनिवर्सिटीज एक साथ अप्लाई कर सकते। तो ये आप नेशन वाइड बता रहे हैं सारे यूनिवर्सिटीज का, 44 यूनिवर्सिटीज में बच्चे फॉर्म भर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तब तो मैं ये पॉजिटिव भी बोलूंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है अब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अलग तरीके से तैयारी करते थे, बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए अलग। तो ये जो है जितना मुझे पता चला है कि ये 2019 में ही लागू हो जाना था, लेकिन कोरोना के वजह से ये डिले हुआ है। तो क्या आपको नितिन जी लग रहा है स्टूडेंट्स में ये प्रॉपर अवेयरनेस है अभी? देखिए, जो फॉर्म भरे गए हैं, जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें फिगर्स पता लगी हैं, वो करीबन 10 लाख बच्चों की है। अगर ज़्यादा अवेयरनेस होती तो मुझे लगता है ये फिगर कहीं 16-16.5 लाख की पहुँचेगी। और ये हिंदुस्तान का, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, 2023 में जो CUET होगा वो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा एग्ज़ाम होगा। इससे ज़्यादा स्टूडेंट ने कभी पार्टिसिपेट किसी और पेपर में नहीं किया। तो नितिन जी, जैसे कि आप ऑलरेडी इसके प्रिपरेशन के सारी चीज़ देख रहे हैं, तो आपसे मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि ये एग्ज़ाम नया है, तो इसके फॉर्मेट के बारे में अगर आप बताएं, बच्चे कैसे? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसके फॉर्मेट को लेके, और असलियत में काफ़ी जटिल फॉर्मेट है ये। जटिल मैं क्यों कह रहा हूँ, एक तो हर यूनिवर्सिटी के हर कोर्स की एक अलग रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप समझिए कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में BCOM ऑनर्स अप्लाई कर रहे हैं, और आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लॉ अप्लाई कर रहे हैं, और आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में BA अप्लाई कर रहे हैं, तो कैसा फॉर्म दिखेगा या क्या होगा, मैं अभी आपको इसको बताता हूँ। तो पहली चीज़ क्या है कि फॉर्म जो एग्ज़ाम है वो तीन सेक्शन में है। एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है वो तीन सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 को हम कहते हैं लैंग्वेज, जिसमें 13 लैंग्वेजेस दी गई हैं, जिसमें 11 रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, टोटल 13। जो दूसरा सेक्शन है इसको हम कहते हैं डोमेन सेक्शन, 27 वो सब्जेक्ट इसमें लिस्ट किए गए हैं जो CBSE बोर्ड में क्लास 12th में आपको एज एन ऑप्शन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर PCM का स्टूडेंट है, बायोलॉजी अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स, अकाउंट्स, और अगर ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी। तो ऐसे 27 सब्जेक्ट लिस्टेड हैं जो सेकंड सेक्शन है उसमें। थर्ड सेक्शन जो है इस पेपर का, उसको कहते हैं हम जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में मैथ्स, रीजनिंग और GK है। तो टोटल 3 सेक्शन है, लैंग्वेज, डोमेन एंड जनरल। तो जैसे कि आपने मुझे बताया कि 15 जुलाई से लेके 20 जुलाई जी ये एग्जाम्स होंगे इन दिनों में, तो इसके जो है कैसे आवर्स जो है, अगर आप मुझे थोड़ा सा बता सके। अच्छा, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। पहली चीज तो ये है कि अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। ओके, तो ये सारी जो NTA की वेबसाइट है हमारी, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका पता है CUET.samarth.ac.in। इस पे अभ्यर्थी और पेरेंट्स जा सकते हैं, अभिभावक जा सकते हैं और काफ़ी डिटेल्स ले सकते हैं। अभी जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, पहला जो ये कंडक्ट कर रहे हैं, जैसा आपने कहा 15 से 20 जुलाई के बीच में कंडक्ट करेंगे, और दूसरा ये 6 से 9 अगस्त के बीच में पेपर कंडक्ट करेंगे। okay, so दो स्लॉट में पेपर, दो डेट्स कह सकते हैं। okay. अच्छा, पेपर अपीयर करने का तरीका जो आपने पूछा, स्लॉट्स क्या है, तो पेपर दो स्लॉट में होगा। पहला स्लॉट है 9 बजे से 12:15 बजे सुबह, 195 मिनट्स का पहला स्लॉट है। दूसरा जो स्लॉट है वो 3 बजे से लेकर 6:45 शाम तक चलेगा, जिसे हम कहते हैं 225 मिनट्स का स्लॉट है। अब जटिलता क्या है इसको समझने की, अगर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का फॉर्म डाल रहे हैं थ्रू CUET, तो आपको सारे स्लॉट अपीयर करने पड़ेंगे, slot 1 और slot 2 पूरे। okay. पर अगर आप कम यूनिवर्सिटीज के कम कोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका क्राइटेरिया कम सेक्शंस पूछने का है, तो हो सकता है कि आप 1 घंटा 5 मिनट में ही slot 1 में फ्री हो जाए।
तो ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट ने किस यूनिवर्सिटी का किस कोर्स का फॉर्म भरा है, उस हिसाब से स्लॉट पूरा लिखेगा या आधा लिखेगा, दोनों लिखेगा या एक लिखेगा। ओके, सो इट विल बी कंप्लीटली ऑनलाइन पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। इसका जो टेक्निकल शब्द है वो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे आम भाषा में हम लोग ऑनलाइन कहते हैं। तो पूरा पेपर ऑनलाइन है, विभिन्न सेंटर्स हर शहरों में, छोटे छोटे शहरों में जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो क्रिएट कर रही है, वहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। ओके, अब अगर मैं नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन पूछूं, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ये कितने मार्क्स का ये पेपर होगा, इसके क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, इसके बारे में बताएं। देखिए, जो सेक्शन 1 है, जो लैंग्वेज है, इसका टाइम ड्यूरेशन है 45 मिनट और जो इसके मार्क्स हैं वो हैं 200। पचास क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कोई 40 जो आप सही लगता है वो आप अटेम्प्ट करेंगे एज अ स्टूडेंट। प्लस 5 है अगर आंसर सही है, माइनस 1 है अगर आंसर गलत है, तो नेगेटिव मार्किंग। ओके, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। तो पहला सेक्शन हो गया आपका 200 मार्क्स का, जो मैंने आपको बताया 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 27 सब्जेक्ट्स लिखने हैं, आप 2 या 3 सब्जेक्ट चूज करेंगे एज पर कौन सी यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हैं और बीकॉम ऑनर्स, तो उनका क्राइटेरिया है कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट। कोई 3 क्या हो सकता है कि आपने अगर मान लीजिए ह्यूमैनिटीज से 12th किया है और आपने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी 12th में पढ़ी है, तो आप कॉमर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए 3 सब्जेक्ट एज डोमेन ले सकते हैं, ना कि कॉमर्स सब्जेक्ट लेना मैंडेटरी है। ओके, तो हर डोमेन सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट का टेस्ट है और 200 मार्क्स का टेस्ट है। तो इसका मतलब जब स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म फिल अप किया हुआ है तभी उनके पास ये सिलेक्शन आ गया है कि इनके इनको कौन सी यूनिवर्सिटीज चूज करनी है। जी, स्टूडेंट ने जब फॉर्म फिल किया तो यूनिवर्सिटी और कोर्स के आधार पे डोमेन सब्जेक्ट चुने, लैंग्वेज चुनी और जो तीसरा सेक्शन है जनरल टेस्ट लिखना है या नहीं लिखना है ये चुन चुका है स्टूडेंट। ओके, अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, फिर से मैं कोचिंग इंडस्ट्री पे जरूर आऊंगी। बिल्कुल, कि एक नया कोचिंग का प्लेटफॉर्म अब स्टार्ट हो जा रहा है, कि इसके भी प्रिपरेशन के लिए कोचिंग सेंटर्स स्टार्ट हो गए हैं। जी बिल्कुल, तो सर इसके प्रिपरेशन के लिए कैसे बच्चों को क्या प्लानिंग रखनी चाहिए अपनी, कितने घंटे की इनकी प्रिपरेशन होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। ये पहले तो एक ये जो स्टूडेंट्स हैं इनमें एक मिथ आ गया है, क्योंकि अब परसेंटेज मैटर नहीं करती है यूनिवर्सिटी एडमिशन में तो हम बोर्ड पे ध्यान ना दें। ओके, ये एक मिथ है, रियलिटी ये है अगर आप सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो डोमेन सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट है जो आप बोर्ड में पढ़ रहे हैं, तो कायदे से पढ़ें। लैंग्वेज में इंग्लिश का जो पेपर है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज फॉर्म में आएगा, तो बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, मैं एक बुक जो दर्शक सुन रहे हैं और देख रहे हैं हम लोगों को, उनको अरुण शर्मा जी की एक किताब आती है इंग्लिश की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, टाटा मैग्रा हिल की, वो बुक ले सकते हैं। और जो तीसरा सेक्शन है जनरल टेस्ट, जिसमें मैथ्स रीजनिंग है, तो आरएस अग्रवाल की एक बड़ी मशहूर किताब है, बहुत पुरानी किताब है, हम लोग बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं मैथ्स के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी, एमके पांडे है रीजनिंग के लिए, तो ये बुक्स वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि नेशनल लेवल का कंपटीशन है तो कोचिंग का महत्व आप कम नहीं कर सकते, अगर आपके पास पैसे हैं, समय है, तो आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोचिंग्स में लीजिए, ये मेरा जो है सुझाव होगा। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी थोड़ा लेट है और 15 जुलाई नजदीक में है, तो आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहते हैं, किस तरीके से वो स्टडी पैटर्न अपना टाइम टेबल किस हिसाब से बनाए, कैसे जो आपने जो गाइड किया कि सब्जेक्ट्स के ऊपर किस तरीके से कितने घंटे का उनको प्राधान्य देने चाहिए पर सब्जेक्ट? देखिए, ये डिपेंड करता है कि कितना अगेन कितने वो डोमेन सब्जेक्ट ले रहा है। okay. कितने लैंग्वेज पर, एक सिंपल फिलॉसफी है, अगर आप पर सब्जेक्ट को 1.5 आवर्स पर डे दे रहे हो, तो कई लोग 6 सब्जेक्ट अप्लाई करेंगे, कई लोग 8 करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 6 से 10 घंटे की पढ़ाई रिक्वायर्ड है अगर आप सीयूईटी क्वालिफाई करना चाहते हैं पहले अटेम्प्ट में। नितिन जी, जैसे कि आपने बताया कि अभी एनटीए से एडमिट कार्ड तक नहीं मिला है, तो ये सेम चीज जे के लिए भी हुआ था, बच्चे परेशान थे, लास्ट मोमेंट तक एडमिट कार्ड के लिए वेट कर रहे थे। तो सर, जो सबसे पहला मेरा अभी क्वेश्चन है कि ऑलरेडी बच्चे यूजीसी के तहत यूनिवर्सिटीज के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन
सीयूईटी के रिजल्ट के लिए, क्योंकि उनको वेट करना है, तो उधर भी एडमिशंस डिले हो रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसमें जो है बच्चे खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करना है, कैसे जाना है? मैडम देखिए, जब भी कोई नई चीज आती है तो उसके साथ कुछ पॉजिटिव्स भी आते हैं और कुछ नेगेटिव्स भी आते हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूजीसी, जैसे मैं एग्जांपल लूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी, वो सीयूईटी के माध्यम से एडमिशन नहीं ले रही है। तो अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी को चयन करना होगा तो वो ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी का चयन करेगा। अगर हम नैक रेटिंग पे जाएं, सिलेक्ट हो तब क्या? हाँ, तो मेरा ये स्टूडेंट्स को सुझाव है, आप विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ आपको एडमिशन मिल रहा है, दाखिला मिल रहा है, वहाँ अपनी फीस जमा करके रजिस्ट्रेशन करा लें और सीयूईटी के रिजल्ट्स का वेट करें। अगर आपको बेहतर विकल्प मिलता है तब इस यूनिवर्सिटी को छोड़ दें और सीयूईटी की यूनिवर्सिटीज ज्वाइन कर लें, अन्यथा वेट ना करें। ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ना हो और यूजीसी वाली जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें भी ना हो। ये मेरा सुझाव है। जी हाँ, बिल्कुल, हम जो स्टूडेंट्स को यही सलाह देते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी जो होगी उसमें फी रिफंड पॉलिसी ज़रूर होगी, तो उनके वेबसाइट चेक करिए। वेबसाइट चेक करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ आप आगे बढ़िए, क्योंकि सीयूईटी का कब रिजल्ट आएगा और कौन से कॉलेज में आपका आखिर सिलेक्शन हो भी रहा है इसका पता नहीं। तो जो कॉलेज आपने चुना है उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। तो सर, अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक जो क्वेश्चन है जी, क्योंकि आप ऑलरेडी सीयूईटी प्रिपरेशंस में हैं जी, और कोचिंग इंडस्ट्री का एक नया ये आयाम खुल गया है जी। तो सर, अभी जो है अगर मैं लखनऊ शहर की बात करूं तो लखनऊ शहर में ऑलरेडी हर तरफ नीट और जेईई और कोचिंग, बहुत कोचिंग, हाँ जी, हर तरफ जहाँ भी देखे तो कोचिंग ही कोचिंग है। स्कूल्स में भी अगर हम जाए तो स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है, तो इसका मतलब अभी फिर से जो है हर जगह सीयूईटी कोचिंग इंस्टीट्यूट ही दिखने वाला है। जो आपका सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। जी, ये सच है कि सीयूईटी की कोचिंग्स खुलेंगी जी, और उसका कारण ये है कि ये एक नेशनल लेवल का कंपटीशन है, तो बच्चों को ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है। तो एक नया मार्केट और नया व्यवसाय जैसे कह सकते हैं ये आएगा, और मेरा ये मानना है कोई भी व्यवसाय वो देश की इकोनॉमी में हिस्सेदारी देता है तो देश हित में है, कोई ऐसी खराब बात नहीं है। बट ये सत्य है कि कोचिंग सेंटर्स इसमें खुलेंगे, खुलने वाली जी, है। तो सर, अभी जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिए उनके लिए तो अभी जो है अपना बेस्ट दे, लेकिन अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूं तो ये जो आप लोग जो ये कोचिंग फॉर्मेट में इस प्रिपरेशन को आप ला रहे हैं, ये आप लोग कितने महीने के जो है प्रिपरेशन कॉन्सेप्ट में? मैम, हमारे पास 6 महीने से लेकर 12 महीने तक के कोर्सेज हैं सीयूईटी के लिए। ओके, उसमें स्टूडेंट कई स्टूडेंट हैं जो 12th पास करके आते हैं वो भी कर सकते हैं, और जो 11th से स्पेशली 12th में जा रहे हैं उनको मेरा ये एक सुझाव है, एक तो सीयूईटी की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लें। फिर से बता दीजिए प्लीज। CUET.samarth.ac.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको पढ़ लें और उसके हिसाब से प्रिपरेशन तैयार करें, क्योंकि नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन है, अच्छे से प्रिपरेशन करें। पेपर अगर आसान आएगा तो कट ऑफ हाई चला जाएगा, और पेपर अगर टफ आया तो सबके लिए टफ होगा, कट ऑफ लॉ जाएगा। तो आपको पढ़ाई मेहनत से करनी है, और मेरा वही एडवाइस है, प्रोफेशनल हेल्प लें कोचिंग से। सो नॉर्मली आप अगर बोलते तो 6 महीने मिनिमम इस कोचिंग के लिए लगेगा, रिक्वायर्ड है जी। और सर, किस समय इसका फॉर्म जो है एंट्रेंस के लिए? देखिए, अगले साल जो मेरा माय एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ, अगर कोविड फिर से नहीं आता है हिंदुस्तान में तो ये एग्जाम मई या जून में होगा, जुलाई में नहीं होगा। तो जो ऑलरेडी काफी पोस्टपोन हो चुका जी जी जी, तो ऑलरेडी जुलाई का महीना चल रहा है, अभी 7वां महीना स्टार्ट हो गया है, तो एज सून एज पॉसिबल प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले जो मैंने कहा है, ऑफिशियल वेबसाइट का अध्ययन करना चाहिए, उसी से पता चलेगा कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करने। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर वेबसाइट को विजिट करिए, उसमें सिलेबस पैटर्न क्या है, कैसे करके पैटर्न आने वाले आपके एग्जामिनेशन का, उसको फॉलो करिए। एंड कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो करियर काउच में शुभांकर को ज़रूर आप लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपको हेल्प करने में। तो नितिन जी,
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए और बच्चों को इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच।